हाय फ्रेंड्स, चलो सो नेक्स्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अगेन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से आपने पढ़ी हैं, अराउंड 30-40% रिपीटेशन है, कुछ कुछ चीज़ें रिपीटेड है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसका डिटेल दिया है, अपन एक एक करके पढ़ते हैं, आइए। चलो, द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट कंटेन नॉट ओनली फाइनेंस स्टेटमेंट एंड नोट्स देयर टू and significant accounting policy in preparing them, but certain other financial report as well. तो कौन से रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं? ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी। ये चार अच्छे से लर्न करना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें रहेगी, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, ये चार चीज़ें होना ज़रूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी डिफाइन एज अ कम्युनिकेशन ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस टू ऑल द यूजर्स। हाँ, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अच्छा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ये दो यूजर्स के लिए बनते हैं, एक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में कौन आएगा? इन्वेस्टर, बैंक, क्रेडिटर, जिन्होंने अपने को पैसा दिया है। गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू नो योर जीएसटी लायबिलिटी, दे वांट्स टू नो योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो ये हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट देमसेल्फ, दे वांट टू एसेस देमसेल्फ, श्योर, करेक्ट ना। तो एम्प्लॉय एंड ये सब इंटरनल लोग हो गए। तो यूजर्स में दो, एक्सटर्नल इंटरनल। इट इज़ द रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंटिटी टू यूजर और ग्रुप ऑफ यूजर। It contained both qualitative and quantitative information. ठीक है, the financial report made to management generally known as the internal reporting, while financial reporting made to shareholder known as the external reporting. Very important point कि जो financial report अपन management को देते हैं, it is meant for internal reporting. They want to analyze themselves कि कंपनी ने जो एक साल में पॉलिसी बनाई है, जो स्ट्रेटेजीज बनाई है, जो अपन ने गोल सेट किए थे वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। एंड जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, करेक्ट ना, वो इट इज़ फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, दोनों के लिए। चलो, नीड फॉर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ना अपने चैप्टर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो देखते अभी क्या है। इन अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरियस स्टैट्यूट हैव प्रिस्क्राइब सर्टेन स्टेटमेंट टू बी डिस्क्लोज पीरियडिकली बाय कॉर्पोरेट एंटिटी। द पर्पज ऑफ सच मैंडेट टू convey true and fair view of operating results and financial position to the users of the report. Within corporate context, financial report covers three types of accounting data set, includes balance sheet, statement of P&L account and statement of cash flow. Correct ना? तो corporate reporting में क्या क्या आएगा? Balance sheet तो आएगा, P&L आएगा और cash flow भी आएगा। तो corporate financial reporting का मतलब वही है, financial reporting ही है, और उसमें तीन statement covered होंगे। इवन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी तीन ही होते हैं, मतलब कैश फ्लो इज नाउ मैंडेटरी। सो ये तीनों स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आते हैं एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आते हैं, करेक्ट ना। चलो देखो क्या क्या है। पहला, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है एंड आगे भी पढ़ने वाले हैं। AS 1 आपने पढ़ा रहेगा कहीं ना कहीं, आगे अपने कोई चैप्टर उसमें भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, AS 1 क्या है? AS 1 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। कंपनी की जो पॉलिसीज़ है जो रूटीन बेसिस पे फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया है, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, स्टॉक का कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे हो रहा है, तो ये सब AS 1 में आता है। एज पर AS 1, एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज नेसेसरी दैट ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। कौन से डेप्रिसिएशन का पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है और ये ईयर ऑन बेसिस पे सेम फॉलो करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी टू फॉलो फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। पहला, ऑल सिग्निफिकेंट पॉलिसीज आर एडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and significant accounting policy should be normally disclosed at one place. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जितने अपन ने पॉलिसीज यूज़ किए वो डिस्क्लोज करना है। दूसरा बोला है कि इट शुड बी डिस्क्लोज एट वन प्लेस ताकि यूजर्स को पढ़ने के लिए आसान हो। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट, मतलब क्या सर, एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले लास्ट ईयर तक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहा था, अभी मैंने एसएलएम पे शिफ्ट हो गया, तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट अफेक्ट होगा, यस। फिर वैल्यूएशन इन इन्वेंटरी का मेथड चेंज किया, उससे प्रॉफिट अफेक्ट होगा। सो ऐसा कोई भी चेंज है जिसमें यूजर्स का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो सकता है उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। इन द करंट पीरियड और विच इज रिजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड शुड बी डिस्क्लोज, तो उसको भी डिस्क्लोज करना है। मतलब लिखना है कि फ्रॉम दिस ईयर कंपनियां चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम एसएलएम टू डब्ल्यूडीपी। इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन करंट पीरियड द अमाउंट बाय विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड शुड बी डिस्क्लोज, करेक्ट। मतलब अपना प्रॉफिट, मैंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया तो मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ा कितने से कम होगा ये भी देना जरूरी है। वेयर अमाउंट इज नॉट एसरटेनेबल होली और पार्टली द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड, करेक्ट ना। तो क्या क्या बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आपको डिस्क्लोजर करना है, एस 1 के हिसाब से सभी सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिस्क्लोज करना है, एक जगह पे करना है। जिन पॉलिसी का स्टेटमेंट पे मेजर इम्पैक्ट हुआ है उसको भी डिस्क्लोज करना है। देन कितने अमाउंट से वो भी डिस्क्लोज करना है। एंड अगर अमाउंट एसेटेबल नहीं है तो फैक्ट जो है ये ऐसे ऐसे उसको डिस्क्लोज करना है। देन अभी तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर 1 में, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये तो बाय डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ता है, तो इसको स्पेसिफिक डिस्क्लोज जरूरत नहीं। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो डिस्क्लोजर करना है कि भाई हम फॉलो नहीं कर रहे, बट ऐसा होता नहीं, एटलीस्ट इंडिया में अपन फॉलो करते ही हैं। चलो, फीचर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पहला फीचर है रिलेवेंस। इंफॉर्मेशन रिलेवेंट व्हेन इट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स by helping them to evaluate past, present, future event to confirm or correct their past evaluation. मतलब क्या है, information is relevant when it influence the, हाँ मतलब मैंने कहा था कि जो financial reporting है इसका purpose क्या है कि true and fair view सामने आए। अच्छा, what is true and fair view? True and fair view का मतलब है आपका जो financial statement है उसमें कोई भी material misstatement ना हो। Now what is मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मटेरियल का मतलब इम्पोर्टेंट, मिसस्टेटमेंट का मतलब ऐसा कोई उसमें अगर गड़बड़ है जिससे यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है, सो दैट शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपरली। तो उसको, एंड अगर वो कुछ है ही नहीं, मतलब आपके जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर है। चलो, तो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट व्हेन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर बाय हेल्पिंग देम टू, हाँ मतलब पहला फीचर है कि आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर अपन ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 साल का डेटा रहता है, तो आप लास्ट ईयर एंड करंट ईयर भी चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर ईयर में कैसे फैल होगा, कंपनी आगे जो पॉलिसी डिसाइड करेगी वो करंट ईयर के प्रॉफिट पर डिसाइड होता है, तो अपना फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन भी वैसे डिसाइड होगा। रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बायस, यस। मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट, मैंने जो कहा था कि कोई ऐसा मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जिससे यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट हो, करेक्ट ना। बायस का मतलब है जो ऑडिटर है, जो मैनेजमेंट है, बायस मतलब इंडिविजुअल बायस। जैसे मैं आपको पढ़ाते समय कुछ एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको इतना तो पता ही रहेगा, सो उसको बोलते बायस, सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि बायस रहेगा तो फिर वो बराबर डिलीवर नहीं होगा। द की एस्पेक्ट ऑफ रिलायबिलिटी आर फेथफुल प्रेजेंटेशन, प्रायोरिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस एंड कंप्लीटनेस। चलो ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये मैंने इनकम टैक्स में बताया था। व्हाट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म? मैंने कार का एग्जाम्पल दिया था इनकम टैक्स में कि आपने 30 तारीख को मार्च को गाड़ी खरीदी की है, आपको गाड़ी का पोजेशन 30 मार्च को मिल गया है, डिलीवरी मिल गया मतलब, बट अगले साल 4 अप्रैल को गाड़ी आपके नाम पर हुई है, RTO का जो पासिंग है वो 4 अप्रैल को हुआ है, पोजेशन 30 अप्रैल को मिला है। तो इफ आई लुक एट लीगल फॉर्म, आई एम नॉट द ओनर, क्योंकि 30 तारीख को तो मैं ओनर हूँ नहीं, 4 तारीख को मैं ओनर बन जाऊँगा। तो क्वेश्चन है, कैन आई क्लेम डेप्रिसिएशन इन दिस ईयर? यस, आई कैन क्लेम, क्योंकि इफ़ आई लुक एट सब्सटेंस, मैंने उनको पैसा दे दिया है, सी दे हैव गिवन डिलीवर ऑफ व्हीकल, मीन्स व्हाट, विदाउट पेमेंट हाउ दे विल गिव मी डिलीवरी, लॉजिक अप्लाई करो। सो दैट मीन्स इफ आई लुक एट सब्सटेंस, यस आई एम द ओनर। जैसे आपने एडमिशन लिया, आपको रिसिप्ट 3 दिन के बाद मिलता है, बुक 4 दिन के बाद मिलते हैं, लेकिन आपका एक्सेस लेक्चर का नेक्स्ट डे से चालू हो जाता है, बिकॉज बाय सब्सटेंस यू आर अवर स्टूडेंट नाउ, यू आर पेड द फीस. ठीक है, प्रोसीजर तो चलता रहेगा, इट माइट टेक टाइम, बट वंस यू पे द मनी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड यू लेक्चर एज अर्ली एज पॉसिबल. वैसा है, प्रूडेंस एंड कंप्लीटनेस एंड फेथफुल होना चाहिए. ठीक है, तो ये वर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मेरे हिसाब से नया था. देन कंपेरेबिलिटी जो मैंने आपको अभी कहा था, इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन कंसिस्टेंट मैनर over a time and consistent between entities to unable to make significant comparison. तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में 2 साल का डेटा रहता ही है. अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वो जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है वो एकदम ईजिली रीडेबल हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए. फ्रेंकली स्पीकिंग ये पॉइंट इतना करेक्ट नहीं है क्योंकि आपके मेरे हाथ में प्रेजेंटेशन है नहीं. जो अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था उसके हिसाब से अपने को प्रेजेंटेशन करना है. तो आपको समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है. इन्फॉर्मेशन शुड बी रेडीली अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर हु इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग एंड विलिंगनेस टू स्टडी द इन्फॉर्मेशन विथ रीजनेबल डिलीजेंस. करेक्ट ना? हाँ, तो ये देखो, तो ये प्रेजेंटेशन करना ये लिए आपके मेरे हाथ में नहीं है. अब ये सामने लोग को समझेंगे कि नहीं, आप में नहीं बता सकते. आपने और मैंने फिनेंशियल्स पढ़े हैं, समझे हैं, तो आपने को समझ में आएगा. आपको 10% आएगा, मेरे को 20% आएगा. बट जो बंदा इंजीनियर है, जो बंदा डॉक्टर है, उसको तो समझेगा ही नहीं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते अपन. करेक्ट? वी कैन नॉट से कि आई राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन साइंटिफिक लैंग्वेज, पॉसिबल नहीं ना. टाइमलीनेस, हाँ, तो वो रिपोर्ट टाइमली मिलना चाहिए. डिले अगर हो गया तो फिर वो मीनिंगलेस होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग डिले हो गया और अपने को एरर ढूंढने में 2 साल लगे, तो अपना नुकसान भी ज़्यादा होता है. एंड बेनिफिट वर्सेज कॉस्ट, अपने को कितना फ़ायदा हो रहा है इसका एक एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खर्चा आप करते हैं कंपनी, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है. बट स्टेटमेंट बनाना तो मैंडेटरी है, मतलब आई डोंट थिंक ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना आप कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंडेटरी है वो तो करना ही है, आपका फ़ायदा हो या नुकसान हो. बट आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करें, इस एंगल से दिया है. ठीक है, सो ये डायग्राम आपको बना के रखना है. रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टाइमलेस एंड बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट. तो 6 से डायग्राम बना के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे लिखना पहले रिलेवेंस. Reliability, comparability, understandability, timeliness, benefit versus cost. अभी इसमें तो ये 3 6 7 पॉइंट आपको लिखना है. फिर इसके लिए जो मेन पॉइंट्स है वो लिखो. अब ये बोलेंगे सर इतना सिंपल डायग्राम हमको क्यों बोल रहे लिखने के लिए, एकदम सही क्वेश्चन है. ये पढ़ना आसान है. मैंने आपको बार बार बोला कि इस सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत आसान है, मतलब जिनका बीकॉम हो चुका है उनके लिए तो ये कुछ भी नया नहीं है. उनके लिए दिस इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए. बट एग्जाम में MCQ आते हैं, देयर यू हैव टू राइट टिपिकल वर्ड्स. तो अगर ये वर्ड्स आप बराबर लिख नहीं पाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसमें आप नीचे लिख कर रखना जो जो की वर्ड्स है. ठीक है, चलो आगे. नाउ रिसेंट ट्रेंड इन CSR. करेक्ट ना? अभी पहले क्या होता था, पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट, P&L अकाउंट वाज इनफ, कैश फ्लो वाज इनफ. बट जैसे इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो गया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बदल गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, है ना, बाहर के कंपनीज यहाँ पे आने लगे, कंपटीशन एकदम डेंजरस हो गया, कस्टमर के रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ गए, तो ओनली दैट मच एनालिसिस इज नॉट इनफ, इन डेप्थ एनालिसिस करना ज़रूरी था। इसलिए नए नए तरीके से अपन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एनालिसिस कर सकते थे। तो नए नए तरीके कौन से हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो, इन्वेस्टर वर्ल्ड ओवर आर करंटली डिमांडिंग मोर शेयर होल्डर वैल्यू दैन जस्ट रिटर्न। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू हैज़ बीन ऑलवेज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी कंपनी, बराबर है। अपन ने, मैंने आपको एसएफएम के पहले चैप्टर में पढ़ा है, या आपने पढ़ा रहेगा। इन्वेस्टर आर वेरी कीन इन असेसिंग द कॉर्पोरेट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट कोरिलेट विद द शेयर होल्डर वेल्थ, particularly the price of the share. The traditional performance measure like a return on investment, earning per share, have been used as the most important measure of shareholder value creation. But in recent year, value-based measure, which measure performance in terms of change in value, has received lots of attention. मतलब क्या है? अभी देखो, तो पहले कंपनी का परफॉर्मेंस किस पे जज करते थे? मोस्टली अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट अभी वो पैरामीटर इनफ नहीं है। नाउ जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, अपने को नए ट्रेंड फॉलो करना है, करेक्ट ना। यानी कौन से नए ट्रेंड है? ये है कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, अपन ने एसएफएम के पहले चैप्टर में पढ़ा है, मार्केट वैल्यू एडेड, कैश वैल्यू एडेड, ये सब नया यूज़ करना है। तो ये वैल्यू एडेड क्या है, ये अपने को पढ़ना है। मतलब ओनली प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट इनफ। Now these are the different, you can say, tools to analyze the performance of the company, and now this is part of corporate financial reporting. Financial reporting में अपन ने जो पहले पढ़ा वही करते थे, return on investment, EPS, basic ratio, NP ratio वगैरह चेक करते थे। Corporate financial reporting is more advanced because industry is more demanding, competition is more demanding, compliances are becoming more and more. तो हर एक बंदा अपने कंपनी को अलग अलग तरह से evaluate करना चाहता है, तो हर एक का perspective समझ के these are the new techniques, new tools you can use, which can be followed by the company to evaluate ourselves, evaluate company from different angles. तो ये long form of learn करना, ये MCQ में आएगा कि CFROI मतलब cash flow, return on investment, SVA shareholder value added, EVA economic value added, MVA market value added and CVA cash value added। एक बार एक table बनाओ, short form और long form लिख के रखो फटाफट, ठीक है। चलो, ना ये अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, नाउ है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिया है। पहला, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू इन्वेस्टर एंड क्रिएटर एंड इन मेकिंग रैशनल इन्वेस्टमेंट, क्रिएट एंड रिसर्च। मैंने आपको पहले कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो यूजर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। हर एक का अपने तरफ देखने का जरिया अलग है। जैसे अगर मैं क्रिएटर हूँ तो माय फोकस विल बी ऑन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टर है तो उसका फोकस होगा अर्निंग पर शेयर, रिटर्न्स पे होगा। बैंक है तो दे विल फोकस ऑन लिक्विडिटी, कितने ऑर्डर मिले, सेल्स कितना हो रहा है, उस पर फोकस रहेगा। गवर्नमेंट रहेगा तो उनका फोकस GST पर रहेगा, इनकम टैक्स पर रहेगा। कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है तो उनका फोकस कंप्लायंस पर रहेगा। तो हर एक बॉडी का मतलब फिर वो MCA हो, रजिस्टर ऑफ कंपनी हो, इनकम टैक्स हो, सेबी हो, करेक्ट ना, RBI हो, हर एक का प्रॉस्पेक्टिव अलग अलग देखने का। तो उन सबको अपने को फुलफिल करना है। तो उन सब के लिए जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपने को प्रोवाइड करना है। इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू बोथ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उनको ही फ़ायदा होना चाहिए, एंड जो लोग आगे जाके अपने कंपनी से जुड़ने वाले हैं उनको ही फ़ायदा होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब क्या बताओ? ये आपने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, कौन से बताओ? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलो लिख दो, आप चाहिए तो। कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। आपने पढ़ा ना 11th 12th में पढ़ा, इकोनॉमिक्स में कुछ नया वर्ड नहीं है। मतलब आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, वो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज। चलो लिख दो अगर आपको चाहिए तो। कौन से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है ना। उसमें से लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वो तो अपने हाथ में नहीं, बाकी रिसोर्सेज आप कितने इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जितने रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी आप यूज़ करोगे आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। The financial reporting should provide information about the enterprise financial performance during a period. हाँ, तो दूसरा यूज़ क्या है, टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली वो तो बेसिक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन द हाउ मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ऑब्टेन एंड स्पेंड कैश। इसके लिए बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो अपन ने आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर वही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कितना पैसा आ रहा है। मतलब एज अ शोल्डर मैंने कंपनी को पैसा दिया एक्सपेंशन के लिए, वो पैसा वो उसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी और के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो बाय एनालाइजिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे को पूरा समझ में आएगा कि कंपनी को पैसा कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, हाउ दे आर यूजिंग द मनी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के तीन होते हैं एक्टिविटी, अपन ने पढ़ा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अगला चैप्टर पूरा आगे अपन पढ़ने वाले उसके ऊपर डिटेल में। देन बोरिंग एंड रिपेमेंट, ये सब है। देन Financial reporting should provide information about how management of an enterprise has discharged its responsibility towards the owner. मतलब शोल्डर ने जो भरोसा उन पर रखा था, एज ए शोल्डर मैंने आपको पैसा दिया है, मेरे को फिनेंशियल नहीं समझते बट मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, तो आपको मेरा भरोसा जितना पड़ेगा तभी मैं रहूँगा। अगर मेरे को कुछ भी डाइसी लगता है तो आई पुल बैक माई मनी, आई स्टार्ट विड्रॉइंग माई मनी एंड आई पुट इट इन अनदर स्टॉक। तो सबसे बड़ा बंदा है मेन पर्सन है शोल्डर, जिसने कंपनी को चलाने के लिए पैसा दिया है। So you have to win his confidence. Financial reporting should provide information that is useful to management and director making decision in the interest of the owner. तो उसका information का use decision making के लिए भी होता है। तो next level क्या आपका बनेगा? Objective of फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। चलो डायग्राम बनाओ, 5-6 पॉइंट्स लगेंगे अपने को। पहले क्या है, information of economic resources, then financial performance, usage of cash, responsibilities towards shareholder, कि आपकी जो responsibility towards shareholder आपने बराबर फुलफिल की है कि नहीं वो भी पता चलेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स आप लिख के रखना। इसके नीचे भी अगर आप चाहें तो और डिटेल लिख सकते हैं। तो ऐसे चार्ट्स बना के आपको सब्जेक्ट समझेंगे, क्योंकि पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है और बहुत पढ़ना है। मतलब आपको फटीक भी आ सकता है। और प्रॉब्लम क्या है फैकल्टी के लिए, फैकल्टी बहुत डीप में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्क का है एंड 1 मार्क से पढ़ाने जाएंगे तो फिर थोड़ा जस्टिफाई करने में दिक्कत होता है। क्योंकि मैं अभी जैसे लास्ट चैप्टर था होल्डिंग, अभी एमसीक्यू के लिए पूरा क्वेश्चन अपने सॉल्व तो किए बट वो इतने नेसेसरी है कि एक क्वेश्चन मार्क है, फिर स्टूडेंट को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ये। बट उस तरह का पैटर्न एग्जाम में आता नहीं है. यू हैज़ टू आंसर ओनली वन लाइन क्वेश्चन, बट वन लाइन के लिए पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन करना पड़ता है. एंड वी कैन नॉट टेक मेनी क्वेश्चन ऑन द फॉर्मेट, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं. एंड इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया तो ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को थोड़ा फिर डाइसी महसूस होता है. उसको लगता है अरे समझ में तो आ रहा है बट आई एम नॉट गेटिंग द कॉन्फिडेंस. तो यू हैव टू फोकस एब्सोल्युटली ऑन एमसीक्यू. यस, स्कैनर के एमसीक्यू सॉल्व करो, ये एमसीक्यू बार बार सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हाईलाइट करके रखो, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो. सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, दैट इज ओनली वे आउट. आप ज़्यादा इस पर सोचो मत मेरे को याद, क्योंकि इतना सारा थ्योरी है, लर्न करना आपके लिए इतना आसान नहीं है. चलो नाउ देखते हैं ऑडिटर रिपोर्ट. अगर आपने कभी ऑडिट पढ़ा रहेगा तो आपको फायदा होगा. ऑडिट रिपोर्ट इज अ की डिलीवरेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ऑडिट क्यों होता है? ऑडिट का पर्पज़ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे या नहीं दिखा रहे, उसके लिए होता है. ऑडिट का पर्पज़ क्या है? टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट ना? नाउ व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू? देयर शुड नॉट बी एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट. व्हाट इज मटेरियल? इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मिसस्टेटमेंट? ऐसा कोई इसमें गलत फैक्ट पॉइंट ना हो, गलत अमाउंट ना हो, गलत चीज़ ना हो जिससे यूज़र्स का इकोनॉमिक डिसीजन हिल जाए. मतलब गलत डेटा पे अगर यूज़र ने डिसीजन लिया तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो वो होता है ऑडिटर रिपोर्ट. एंड उसमें चार तरह के होते हैं ओपिनियन, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, करेक्ट ना? तो ऐसे अलग अलग तरह के ओपिनियन होते हैं. एंड ऑडिट रिपोर्ट इज की डिलीवर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन विच शोज द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एंटायर ऑडिट प्रोसेस. द यूजर ऑफ फाइनेंस लाइक इन्वेस्टर, लेंडर, कस्टमर other base their decision and plan audit report of any enterprises. An audit report is always critical influence for the perceived value for any financial statement audit. ठीक है. The auditor should be careful in issuing the audit report as there is large number of people placing reliance on such report and taking decision accordingly. Yes, bank loan देते समय audit report पे trust करती है. अगर आपको CC चाहिए तो वो value of assets के लिए ज़रूरी है, करेक्ट ना? तो हर जगह पे फाइनेंशियल रिपोर्ट लगता ही है, बैलेंस शीट वगैरह. चलो तो देखते हैं कि कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है एज पर सेक्शन 143. आइए पढ़ते हैं सेक्शन, लर्न करना, ठीक है? कि ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए सेक्शन 143 में दिया है. पहला, द ऑडिट रिपोर्ट शुड मेक रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड एवरी फाइनेंस स्टेटमेंट एंड एवरी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी पार्ट ऑफ एनेक्स्ड टू द बैलेंस शीट एंड P&L. ठीक है, ओके. नाउ अभी मेंबर्स कौन थे आपको पता है ना? डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर. मेंबर मतलब जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया उसको मेंबर बोलते हैं. एंड शेयर होल्डर जो होते हैं जिन्होंने कंपनी के क्या परचेस किए? शेयर्स परचेस किए. कंपनी के क्या परचेस किए? शेयर. एंड जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर मिलेगा उसको मेंबर बोलते हैं, ठीक है? चलो तो ये मेंबर और शेयर होल्डर कौन है? आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है, मैं बस बेसिक आइडिया दे दिया है. तो मेंबर को बताना है कि उसने अकाउंट जो एग्जामिन किया है वो बराबर है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ठीक है ना? वो तो सिंपल है. देन द रिपोर्ट शैल स्टेट वेदर इज ओपिनियन. ऑडिटर कैन गिव 4 ओपिनियन. एक होता है क्वालिफाइड. क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब है रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है. यस. अनक्वालिफाइड मतलब रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है. नेक्स्ट है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब वो कुछ भी नहीं बोल सकता, उसको कुछ रिकॉर्ड्स ही नहीं मिले, रिकॉर्ड जल गए थे सो ही कैन नॉट गिव एनी ओपिनियन. एंड लास्ट होता है एडवर्स. एडवर्स मतलब ये रिकॉर्ड्स एकदम बदतर है. तो ऐसे ऑडिटर 4 ओपिनियन दे सकता है. कितने? 4. पहला कौन सा? क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड एडवर्स. टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिवन टू सेड अकाउंट्स. गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट. गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू. हाँ, मतलब ऑडिटर को क्या स्टेट करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी एक्ट के हिसाब से जो भी कंप्लायंस है वो पूरा हुआ है कि नहीं, वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं. बैलेंस शीट, P&L. बैलेंस शीट में क्या दिखाना है? एट द एंड ऑफ ईयर के एसेट्स. P&L में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंड ऑफ द ईयर. कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी थे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अपन आगे पढ़ने वाले, तो कितना पैसा हर एक एक्टिविटी से आया, कितना पैसा गया, वो दिखाना है. देन ऑडिट रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट. पहला, वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच to the best of his knowledge and belief are necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on financial statement. Correct. मतलब उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला है कि नहीं मिला है, एंड जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, वो बोलेगा कि भाई मेरे को ये रिकॉर्ड नहीं मिले, स्टॉक रिकॉर्ड्स वेर नॉट देयर, सो अदर देन स्टॉक रिकॉर्ड एवरीथिंग इज ओके, सो आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग ऑन स्टॉक रिकॉर्ड। वैसे तो उसको बताना है ऑडिटर में कि मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन मिला है या नहीं मिला है। whether in his opinion proper books of accounts required by law have been kept by the company and the proper return adequate for this purpose for his audit have been received from the branches not visited by him, correct। मतलब उसको ये भी डिस्क्लोज देना है कि हमको सभी बुक्स मिले कि नहीं मिले, एंड सपोज एक ऑडिटर सभी ब्रांचेस के लिए अपॉइंट नहीं किया गया है, कुछ ब्रांचेस के लिए दूसरा ऑडिटर अपॉइंट किया गया, तो वो भी उसको बताना पड़ेगा कि इनका ऑडिट अपन ने नहीं किया है। तीसरा, whether the report on the accounts of any branch office audited by a person other than company's auditor has been forwarded to him and how he has dealt with the same in the preparing audit report। मतलब किसी और ऑडिटर ने किसी ब्रांच का ऑडिट किया तो उसको इन सब कैसे डील किया है। whether the balance sheet and P&L account dealt with by reports are in agreement with the books of accounts। whether in his opinion, चार प्रकार के opinion, the financial statements are comply with the accounting standard, the observation comments on auditor फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैटर विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, उसके कोई उसको लगता है कि ट्रांजेक्शन की वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है, वो भी बताना है। वेदर इन डायरेक्टर इज डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 164, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर मैटर करेक्टेड हियर विथ। वेदर द कंपनी हैज एडेक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्लेस एंड अदर ऑपरेटिव इफेक्ट्स ऑफ सच कंट्रोल। हाँ मतलब कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल बराबर है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर है कि नहीं, वो भी बताना है। एंड वो है तो कितना इफेक्टिव है, क्या निग्लिजेंस है, एम्प्लॉय बराबर काम नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब काफ़ी बार क्या होता है कि कंपनी में सिस्टम अच्छा है बट एम्प्लॉय फॉलो नहीं करते, एंड काफ़ी बार सिस्टम भी नहीं रहता और एम्प्लॉय भी फिर कुछ भी नहीं करते, तो ये आपको बताना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। The clause mentioned above disqualify from person being appointed as company director if such person director of a public company which is हाँ मतलब ऊपर लिखा है ना, ये any qualification कहाँ पे था अपन ने पढ़ा, हाँ ये कि डायरेक्टर का डिस्क्वालीफाइड होता है तो क्यों होता है, तो यहाँ पे दिया है the clause mentioned above disqualify person from being appointed as company director if such person इज ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब एक बंदा किसी और कंपनी का डायरेक्टर है एंड अगर ये गलती होती है उस कंपनी से तो उसको आप आपके कंपनी का डायरेक्टर नहीं बना सकते। कौन सा? पहला, हैज नॉट फाइल्ड एनुअल अकाउंट्स एनुअल रिटर्न फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, एमसीक्यू में आएगा। मतलब आप ए लिमिटेड के डायरेक्टर हो, उन्होंने अगर लास्ट 3 ईयर्स के एनुअल अकाउंट्स नहीं बनाए, रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप किसी और कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ही फेल टू रीपे डिपॉजिट इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यू डेट or redeem his debenture on the due date or pay dividend on due date and such failure continue for 1 or more year। मतलब जो उसके फिक्स कमिटमेंट थे, क्या कहते हैं फिक्स कमिटमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, करेक्ट है कि नहीं, और उनका रिडेम्पशन अगर वो टाइमली नहीं हो पा रहा है, करेक्ट ना, एंड उसका अगर फेल्योर 1 ईयर से उससे ज़्यादा है तो फिर वो बंदा किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। ये दोनों एमसीक्यू में आने वाला है। देन वेदर एनी अदर मैटर रिफर्ड टू इन अबव इज आंसर इन निगेटिव विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर रिपोर्ट शुड बी, हाँ मतलब उसने जो जस्टिफिकेशन दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर उस रिपोर्ट को डिस्क्वालीफाई करेगा कि ऑडिटर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो एक्सेप्टेबल नहीं है या गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, सो आई एम डिस्क्वालीफाइंग दिस रिपोर्ट, एंड फिर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए वो बता देगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड कंट्रोल डायरेक्ट इंडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट एंड पार्टली बाय 1 or more स्टेट गवर्नमेंट, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर। मैंने आपको ये जीएसटी में कहा था कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनको ऑडिट अपन नहीं कर सकते, ये करता है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। and direct such auditor in a manner in which accounts of company are required to be audited, thereupon the auditors appointed shall submit a copy of report to the CAG which among the other things include any direction if any issued by CAG, the action taken thereof, impact of the accounts, वो सब दिया रहेगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा, विच इंक्लूड द डायरेक्शन इफ एन इशूड बाय कैग। फिर क्या करेगा, आपने जो रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट का, कैग विल गिव सर्टन गाइडलाइंस कि क्या करना चाहिए, करेक्ट ना। देखो क्या दिया है, डायरेक्ट सच ऑडिटर टू द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब वो डायरेक्ट भी करेंगे कि इसके अकाउंट तुम ऐसे ऑडिट करो। एंड देयर अपॉन द ऑडिटर शो अपॉन शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट टू द कैग, करेक्ट ना। तो उस रिपोर्ट में ये भी रहेगा कि कैग ने उसको क्या क्या डायरेक्शन दिए थे एंड उसके उसने इसके हिसाब से कैसे काम किया है, उसने उस पर कैसे एक्शन लिया। तो ये जो गाइडलाइन दिया था, डायरेक्शन दिया था, उस बेसिस पे उस बंदे ने कैसे काम किया वो भी आपको देना जरूरी है। द कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल शैल विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ रिपोर्ट हैव राइट टू, मतलब फिर एक कैग को रिपोर्ट मिलेगा तो अगले 60 दिन में क्या कर सकते हैं, कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बाय सच पर्सन और पर्सन एज में अथोराइज इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पज ऑफ सच ऑडिट रिक्वायर्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू फर्निश टू एनी पर्सन सो अथोराइज ऑन सच मैटर बाय सच पर्सन इन सच फॉर्म एज द कंप्ट्रोलर ऑफ इंडिया में डायरेक्ट। मतलब क्या बताओ, मतलब आपको कैग ने बोला कि इसका ऑडिट करो, ये करने के बाद अगर लगता है तो कैग कैन कंडक्ट अगेन एडिशनल ऑडिट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री ऑडिट। हाँ, फिर वो भी कर सकते हैं या किसी और को भी, बाय सच पर्सन मतलब वो भी कर सकते हैं किसी और पर्सन को, करेक्ट ना। एंड उसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या बताएगा कंपनी को कि आप इनको ये इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। सो तो ये किसके लिए क्या है, गवर्नमेंट कंपनी ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय स्टेट, मोर देन वन स्टेट, उनके लिए है। Then company comment upon such supplement or audit report, provide that any comment given by CAG upon or supplement to the audit report shall be sent by company to every person entitled to copies of audited financial statement। जितने भी shareholders है जिनको audited financial statement जाते हैं उन सबको ये भेजना जरूरी है। And it to be placed before annual general meeting of the company at the same time in the same manner as the audit report। And इसको audit report में present भी करना है। And जो लोग हैं जिनको ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मली जाता है उनको ये जो उनके क्या बोलते हैं उसको, उनके जो कमेंट है वो उनको पहुंचाना ज़रूरी है ताकि सभी लोगों को पता चलता है कि कंपनी में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। द कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया में इन केस ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी इफ कंसिडर नेसेसरी बाय ऑर्डर कॉस्ट टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द सच कंपनी एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ कैग शैल अप्लाई। मतलब अगर वो चाहते तो टेस्ट ऑडिट भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज टेस्ट ऑडिट, जो सैम्पलिंग बेसिस बताया। टेस्ट ऑडिट का मतलब है बहुत से डेटा में से विल चेक द रिकॉर्ड्स ऑन सैम्पलिंग बेसिस। तो लिख रखो व्हाट इज टेस्ट ऑडिट बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, है ना। पूरा रिकॉर्ड तो चेक करना पॉसिबल नहीं है तो विल टेक आउट द सैम्पल, है उतने रिकॉर्ड चेक होंगे। एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई भी हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए अप्लीकेबल है, एनी बिजनेस एंटिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग तो ये इसमें इतने दिया है कि कौन, अभी ऊपर लिखा है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, कौन से जो आईसीएआई के गाइडलाइंस है। तो आईसीएआई ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोले उतने, देयर इज अ सेपरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो आईसीएआई जो रिकमेंड करता है वही अपने को फॉलो करना है। प्रोवाइड दैट अंटिल एनी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड एनी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट शैल बी डीम्ड टू बी। हाँ, मतलब अगर किसी चीज़ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं है तो आईसीएआई का जो उसके लिए गाइडलाइन होगा वो एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 10, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी by general or special order direct in respect of such class or description of companies as may be specified in the order, that audit report shall also include statement on the matter specified therein। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको बोलता है तो कुछ एडिशनल डेटा अगर उनको चाहिए रिपोर्टिंग इन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो बता सकते हैं। प्रोवाइड दैट अंटिल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसिडर्ड अंडर द सेक्शन 132 द सेंट्रल गवर्नमेंट में होल्ड कंसल्टेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस सबसेक्शन with a committee chaired by the officer of the rank of Joint Secretary, equivalent in the Ministry of Corporate Affairs, and the committee shall have representatives from the Institute of Chartered Accountants of India, Industry Chamber, and also invitees from the National Race Committee on the Office of Comptroller. Yes, मतलब काफ़ी important दिया है. क्या बोला है पॉइंट नंबर 10 में कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, करेक्ट ना, तो अगर वो चाहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में एडिशनल डिस्क्लोजर भी ऑडिटर को देने पड़ेंगे ना. आगे दिया है कि ये जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कैसे फॉर्म हुई है, तो ये ध्यान में रखना है. सेक्शन 130 के तहत तो फॉर्म हुई है, करेक्ट ना. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर दिस सबसेक्शन. कमेटी चेयर बाय कौन कौन रहेगा, उसमें कौन कौन रहेगा. द कमेटी शैल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ICAI, इंडस्ट्री चैम्बर्स, मतलब इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, एंड स्पेशल इन्वर्टिस. ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो है कौन सा कमेटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है ना. इनका फॉर्मेशन ICAI के मेंबर, इंडस्ट्री चैम्बर एंड द इन्वर्टिस, उन सबको मिला के किया जाएगा. Not is anything contained in this section. If an auditor of a company in the course of performance of his duties or auditor has reason to believe that an offence or fraud involving such amount may be prescribed is being has been committed in company or by officer, the auditor shall report. Obviously ना, ये तो बेसिक काम है ऑडिटर का. अगर उसको लगता है कि एम्प्लॉय ने या उनके कंपनी के जो मेन मेंबर है उन्होंने फ्रॉड किया है, तो हैज़ टू कम्युनिकेट टू द गवर्नमेंट ऑब्वियसली. Provided in case of fraud involving lesser amount than the specified, the auditor report the matter to the audit committee under section 177 or to the board in other cases within such time. हाँ, मतलब उसमें एक लिमिट है. अभी आपको ऑडिट सब्जेक्ट है नहीं, तो वो लिमिट के अंदर अगर फ्रॉड है तो पहले क्या बोला, अगर पहले बोला कि फ्रॉड होता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, ठीक है, वो समझ में आ गया. अगर फ्रॉड लेस देन लिमिट है, करेक्ट ना, तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है ऑडिट कमेटी को जो कंपनी में होती है अलग से, करेक्ट ना, एंड बोर्ड, उनको इन्फॉर्म करना जरूरी. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स को एंड ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना जरूरी है. प्रोवाइड फर्दर दैट कंपनीज हुज ऑडिटर हैव रिपोर्टेड फ्रॉड अंडर दिस सबसेक्शन टू द ऑडिट कमेटी बोर्ड नॉट रिपोर्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्क्लोज डिटेल ऑफ सच फ्रॉड बोर्ड रिपोर्ट. हाँ, और ये बोर्ड रिपोर्ट में आना जरूरी है क्योंकि छोटे मोटे फ्रॉड है, विद इन द लिमिट है, तो इसको आपको बोर्ड रिपोर्ट में बताना भी ज़रूरी है, इवन दो यू हैव नॉट इन्फॉर्म टू सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब 11 पॉइंट में क्या बोला है कि अगर आपको कुछ फ्रॉड वगैरह दिखते हैं, करेक्ट है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, एंड अगर लेस देन अमाउंट है तो फिर आपको ऑडिट कमेटी या बोर्ड को इन्फॉर्म करना है, एंड जब भी लेस देन लिमिट है तो वो बोर्ड रिपोर्ट में होना भी ज़रूरी है. No duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting matter under 12 if it is done in good faith. मतलब क्या है, No duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting. हाँ, मतलब अपन ने जो ऊपर मैटर पढ़ा सबसेक्शन 12, मतलब क्या है, मतलब ऑडिटर जो काम करता है उसको, उसने अगर कुछ गलत चीज़ आपके बारे में रिपोर्ट की तो वो गुड फेथ में ही आपको मानना पड़ेगा, वही बोला है. बट वो गुड फेथ में होना जरूरी है, मतलब ऑडिटर ने इंटेंशनली कुछ नहीं करना चाहिए. जेन्युइन बेसिस पे अगर इश्यूज है तो बताना चाहिए, अगर फ्रॉड हुआ तो बताना चाहिए. मतलब खुन्नस निकालने के लिए अगर ऑडिटर ने किया तो नहीं चलेगा. मतलब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ऑडिटर के खुद के एथिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जो है वो है, अंदर से कुछ भी काम नहीं करना चाहिए. अच्छा, यही प्रोविजन जो ICAI के अपने जो पढ़ा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी अप्लाई होगा, और कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी यही सब अप्लाई होगा. ये जो 12 पॉइंट्स अपन ने पढ़े सब. इफ एन ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डू नॉट कंप्लीट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12 ही शैल बी पनिशड विद द फाइन विच इज नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज मे बी एक्सटेंडेड टू 25 लाख रुपीज. माई गॉड, मतलब ये जो दिया है ना, तो अगर आपने आपके काम में ईमानदारी से नहीं किया, आपकी चोरी पकड़ी गई, तो गवर्नमेंट को प्रूफ किया कि CA में इन्होंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है, करेक्ट ना. सबसेक्शन 12 जो ऊपर था, ये करेक्ट ना, आपने आपका काम ईमानदारी से नहीं किया तो मिनिमम पेनल्टी 5 लाख, या आपने किसी फेक रिपोर्ट पे साइन किया है कंपनी के साथ जुगाड़ किया, सेटिंग किया एंड कुछ चीज़ें दबा दी आपने, तो फिर मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 20 लाख पेनल्टी है। द ऑडिटर शैल मेक अ स्टेटमेंट एज टू वेदर रेवल्यूशन पेड बाय कंपनी टू इज डायरेक्टर इन इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197, वेदर रेवल्यूशन पेड टू इज डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ लिमिट लेट ऑन। हाँ, एंड ज़्यादा दिया तो फिर ज़्यादा क्यों दिया है वो, उसका कुछ रिफंड आने वाला है क्या, वो सब आपको बताना पड़ेगा। On and from the commencement of Companies Act 2017, any application made to central government under the provision of section 197, which is pending with the government, shall abate, and the company shall within the 1 year of such commencement obtain approval according to the provision of the section. मतलब क्या है? तो अगर आपने section 197 में application किया है, 197 of Companies Act, ठीक है? व्हाट इज 197? अपन ने पढ़ा था मैनेजर रेम्यूनरेशन, यस करेक्ट ना। अभी इसमें हाँ, भी ऑन एंड फ्रॉम कमेंसमेंट, ये जब कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया है उस दिन अगर कुछ भी इशू पेंडिंग है वो बंद हो जाएगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट एंड ऑब्टेन द अप्रूवल अकॉर्ड्स विद द प्रोविजन। हाँ, एंड फिर आपको एज पर अमेंडेड आपको सभी प्रोविजंस अप्रूव लेने पड़ेंगे। सो व्हाट इज सेक्शन 197 मैनेजर रेम्यूनरेशन। तो 2017 में उसमें अमेंडमेंट्स आए, तो ये अपन ने आई थिंक पढ़ा ही है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि उस दिन जो कुछ इश्यूज थे विच इज पेंडिंग वो अबेट मतलब बंद हो जाएंगे, एंड द कंपनी शैल विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट ऑब्टेन अप्रूवल इन अकॉर्डेंस विद द, एंड फिर कंपनी को नया अप्रूवल लेना पड़ेगा एज पर दिस अमेंडेड रूल्स। तो ये अपन ने 16 पॉइंट्स पढ़े हैं, ये आपको बहुत क्रिटिकली लर्न करने पड़ेंगे। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ा था कि कंपनी एक्ट के रिक्वायरमेंट्स क्या है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब इसमें अपन जो पढ़ा वो ऑडिट रिपोर्ट था, तो मैंने आपको 16 अलग अलग पॉइंट्स बताए जो आपको अच्छे से लर्न करना है। इसका एक चार्ट बनाओ, अभी देखो आप कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। एक बार रिवर्स करते हैं 16 के 16 पॉइंट्स। पहला मैंने क्या बताया था? पहला ऑडिटर का ड्यूटी क्या है? मेंबर्स को रिपोर्ट करना है सबसे पहला, ठीक है। दूसरा, ही हैज़ टू गिव हिज ओपिनियन। तीसरा, अच्छा ओपिनियन में फिर आपको ये लिखना है नीचे। तीसरा, ऑडिटर ने पूरे डिस्क्लोजर देने चाहिए कि उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला है, उसने पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए हैं, करेक्ट ना। देन ब्रांच ऑफिस का रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया नहीं किया वो देना है, करेक्ट ना। कंपनी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं वो देना है, उसके खुद के कमेंट्स देना है, कोई डायरेक्टर का डिस्क्लेमेशन तो वो देना है, करेक्ट ना। देन अगर कंपनी ने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो उसको ओपिनियन देना है, फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं उसको ओपिनियन देना है, डायर को डिस्क्वालीफाई करने के क्राइटेरिया दिए हैं, अगर वो किसी कंपनी में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो वो भी चेक करना है। तो ये 3 में इतने सारे पॉइंट्स आएंगे। 4th में क्या दिया? कोई उसने क्वेरी निकाला था जिसका नेगेटिव आंसर मिला है वो देना है, अगर गवर्नमेंट कंपनी उसको ऑडिट क्या करता है तो वो देना है कि वो बराबर हुआ है कि नहीं, तो ये सब आपको देना है पॉइंट। तो ये 15 पॉइंट आपको हॉरिजॉन्टल पेज पे ऊपर 7 पॉइंट नीचे 7 पॉइंट लिखो और उसको टेबल को अच्छे से आपको क्या करना है लर्न करना है, करेक्ट ना। तो ये मतलब बहुत डिटेल में चार्ट बनने वाला है, मैं आपको बता दो चाहे तो। तो ऐसे यहाँ पे आप 8 पॉइंट बनाओ। मेन पॉइंट, उसके नीचे के मेन पॉइंट, ये 6 हो गए। अगेन नेक्स्ट पेज पे 6, ऐसा आपको 16 पॉइंट्स है और ये एमसीक्यू के लिए बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए, करेक्ट ना। तो जैसे पहला पॉइंट में तो क्या है? रिपोर्ट टू मेंबर्स, करेक्ट ना। देन टू एक्सप्रेस दिस ओपिनियन, अभी देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ। express his opinion. अभी इसमें आपके सब पॉइंट्स आएंगे, ये वाले ए एंड बी, तो ऐसे आपको ये चार्ट प्रॉपर बनाना पड़ेगा और मेरे को ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा। तो पहले 16 पॉइंट्स है, 6 6 4, ऐसे आप चार्ट्स बनाओ, आपके लिए वो इजी हो जाएगा। उसके बाद हाँ, तीसरा पॉइंट क्या होगा, द ऑडिट रिपोर्ट्स आर ऑल्सो स्टेट, ये ABCDEFGHI, ABCDFG2I, ये पॉइंट इसमें आएंगे। तो ये बहुत बड़ा चार्ट बनने वाला है। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, आई में क्या है, ऐसे आपको प्रॉपर चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो आप ये आपके लिए होमवर्क है, प्रॉपरली बनाओ। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, इमीडिएटली ज्वाइन करो। मैंने आपको जो मेल भेजा है, उस मेल में टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन करो, वहाँ पर डेली टेस्ट होता है। मेरा इंस्टाग्राम पेज CMA विपुल शाह फॉलो करो, उसमें डेली टेस्ट होते हैं, करेक्ट ना। ऐप में हर वीक में टेस्ट हो रहे हैं, ऐप का कोड आपको मेल में दिया है। तो मेरा भी अगर 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस बेटर हो जाएगा। तो ऐसा ही है, आपको आज डायग्राम बनाना है, 16 पॉइंट्स है, प्रॉपर लिख के ग्रुप पे शेयर करना, मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो अपन अभी इतना ही करते हैं एंड आगे का फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, तब तक आप होमवर्क करके रखें।